get back to it. राजधानी दिल्ली के सुकुर बस्ती में इस वक्त हम आए हुए हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में जो जमीनी हकीकत है उन नेताओं तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी से ही कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जो नेता हैं वो इलाकों में आते हैं और तमाम वादे करते हैं, लेकिन वादे तो होते हैं लेकिन काम नहीं होता। तस्वीरें देखिए, मुख्य सड़क है और जो पानी जो आ रहा है, पानी आप देख रहे होंगे, ये मुफ्त वाला पानी नहीं है बल्कि ये एक नाले से निकलने वाला पानी है जो आमतौर पर लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, गटर का पानी है वो यहाँ से निकलता है। तो समझिए कितना बेहद और दयनीय हालत है इस इलाके की। आपको बता दें कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो नेता आते हैं और स्थानीय लोगों को लुभाने के तमाम वादे करते हैं, लेकिन वादों पर वो नेता खड़े नहीं उतर पाते और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सकुर बस्ती का इलाका है और नालियों को आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ठीक ढंग से सफाई होती है। लोगों का कहना है कि इसी नालियों के अंदर से पानी की पाइपलाइन भी जाती है, जो कभी टूट जाती है तो यही नाली का पानी उनके घरों में पीने के लिए आता है। तो समझिए कितने दयनीय हालत है इस इलाके की। कुछ लोकल लोग भी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सर, किस तरह की समस्याएं होती है, सफाई हो नहीं रही है और पानी है वो सीवरों से बाहर आ रहा है। भाई साहब, ये PW वालों का जो नाला है बाहर का, ये पूरा भरा रहता है। अब वो नाले में अगर इधर से सफाई करते हैं तो वो नाला जब वहां पर जमा रहेगा तो ये मतलब ही नहीं बनता आपका के साफ हो जाएगा। गलियों में पानी भर जाता है और फिर पीने वाला जो पानी है तो इसमें से पाइप गई हुई है। अब वो पाइप टूट गई तो मोटर लोग चलाते हैं तो गंदा पानी उसी में जाता है। आप लोग तो कहते हो कि मतलब कि आपको वाटर वाला पानी मिलेगा, हमें नाली वाला पानी मिल रहा है। कहते हैं वाटर वाला मिलेगा, वाटर वाला कहाँ मिलेगा, नाली वाला पानी मिल रहा है। सत्येंद्र चैन यहाँ के विधायक हैं और दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि हर किसी को मुफ्त पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा, पानी मिला था बस कुछ साल मिला, उसके बाद तो पाइपलाइन जो है 12-13 साल हो गए अभी तक गल गए अंदर, तो उस चक्कर में गंदे पानी आ रहे हैं तो कोई पानी भर के राजी नहीं है। इस चक्कर में स्मेल आ रही है पानी में, हमने कंप्लेंट भी करा, कोई आता है कोई सुनता ही नहीं है, आके चले जाते, देख के चले जाते। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस मामले को, क्योंकि यहाँ के विधायक को देख ही रहे हैं और इलाके के विकास भी आप देख रहे हैं। ये देखिए, आपने भी देख लिया, हम भी देख रहे हैं, शिकायत पूरी बार बार होती रही है लेकिन कोई किसी का ध्यान यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है कि नाली जो भर जाती है, सीवर जो आगे जाम है, और आपने देखा कि बाहर कितना पानी भरा हुआ, गंदा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का क्या, झुग्गियों में लोग नहीं रहते क्या? ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हमें खाली वोट लेनी है तो हम इधर आए और कोई काम हमारा नहीं है। तो 10 साल से स्थानीय विधायक ने यहाँ कुछ भी नहीं कराया। आपने देख लिया कि पाइपलाइन टूटी हुई है और बाहर जो टॉयलेट बने हुए हैं उसके अंदर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं जो बिल्कुल दिल्ली सरकार नाकाम रही है और लुभावने वायदे कर वोट लेके जीतना उनका काम रहा है। जो तमाम है जो आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक पर, लेकिन कभी शिकायतें करी है इस चीज को लेकर कि ये समस्या आ रही है, जो PWD वाला जो बता रहे हैं आप, पाइपलाइन है वो टूटी पड़ी है, नालों की सफाई नहीं हो रही है? 3 साल से तो विधायक अंदर थे, तब भी उनका वो हमें वो फंड ही नहीं पता कहाँ खर्च हो रहा है, उन्होंने कहाँ खर्च किया है, इन जे क्लस्टर एरिए का या कहीं का भी पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया पता ही नहीं चल पा रहा है। और किसी तरह का हम कोई सुनने वाला नहीं था, उनका जो कार्यालय था वो बंद था और कोई किसी चीज की कोई सुनने वाला नहीं था। तो इससे जो है यहाँ के लोगों का जो जीना है, जीवन जो है एकदम दयनीय हो गया है और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा हो और जो भी कोई कार्य होगा हम करेंगे, भाजपा सरकार आएगी और भाजपा सरकार जो इस काम को करेगी। भाजपा क्या अलग कर देगी यहाँ पे, क्योंकि 10 सालों से तो आम आदमी पार्टी की सरकार देख ही ली है, पहले भी भाजपा थी, अगर भाजपा आती तो क्या कुछ नया कर देगी? बिल्कुल, जो इनकी समस्याएं हैं, मैं खुद जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और ये देख रहा हूं कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। इनकी समस्याएं बिल्कुल डे बाय डे बिल्कुल दूर हो जाएंगी, एक एक समस्या करके इनकी सारी समस्याएं दूर होंगी। अब ये देखो कितना गंदा है कि उसी में से नाला जा रहा है और उसी में से पीने वाला पाइप जा रहा है और वो लीक है। आपको दिखाता हूँ, लीक है, चलो। इससे सारे ही जो है झुग्गी वासी जो है बड़े दुखी। आम आदमी पार्टी का आपने कार्यकाल आपने देख ही लिया है 10 सालों से यहाँ से विधायक है सत्येंद्र जैन जी, और क्या लगता है कि जो अब फिर से नुमाइंदे आप लोगों के बीच आएंगे, आपसे वोट मांगे तो किस तरह जवाब देंगे आप लोगों का? अब जवाब तो हम लोग देते हैं लेकिन कोई सुन के राजी थोड़ा है।
पब्लिक को उल्टा सीधा बोल के अब हम यहाँ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उसका फायदा कुछ होता ही नहीं है। वोट मांगना है फ्री के लालच में, वोट मांगना है फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पब्लिक सोचेगी कर देगा, और जो काम नहीं हो रहा वो काम भूल जाती पब्लिक। अब दोबारा आएगा वोट मांगना तो वही काम दिखाएंगे हम। पहली बार वोट मांगने किस मुंह से आएगा, वो पानी गंदा पी रहे, नाली का पानी जा रहा है, जा रहा सफाई नहीं हो पा रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, देखिए ये अभी वक्त 12 बजे के आसपास का है, लेकिन जब सुबह सुबह जब पानी आता है तो ये जो नालियां हैं जो ओवरफ्लो हो जाती है, इसका पानी है वो गलियों में आ जाता है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इसी पानी से गुजरते हुए बीमारियों को एक कहीं ना कहीं घर बता सकते हैं। हालांकि निगम पार्षद जो है वो यहाँ पर ना तो फॉगिंग करते हैं और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोकल जो यहाँ दुकानदार है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, विधायक के कार्यकाल को आप देख लिया है, किस तरह की समस्याएं हो रही है, कि दुकानदार भी हो, दुकानदारी भी है। सर समस्याएं यही है, देखो गंदगी कितनी पड़ी है, नाली में पानी भरा पड़ा है, बाहर नहीं निकालने वाले कोई, सफाई करने वाले कोई आते नहीं है, गंदा पानी मिलता है, इन्हीं नाली के द्वारा पाइप पीने का गया हुआ है, जो लीकेज हो जाते हैं उनको सही करने कोई नहीं आता, गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है। अब ये देखो सर, इस जगह रहने का मतलब ये नहीं है कि गंदा पानी पिएंगे, कब तक पिएंगे? दुकानदारी पे भी असर होता है क्या इसका? क्या जी? दुकानदारी पे भी असर होता है इसका? बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होगा? ये गंदगी देख रहे हो, पानी भरा हुआ है, स्मेल आती है यहाँ पे हमारे पास, आप देखो कितना भरा हुआ है, स्मेल आती है दुनिया भर की, कोई काम नहीं हो रहा जी, ना ग्राहक खड़ा होता, कई बार ये खुले हुए हैं इसमें बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कई बुजुर्गों के चोट लग गई है यहाँ पे गिर के, इसमें कोई इस पे स्लिप नहीं डाली जाती, ना कोई देखभाल की जाती कुछ। माता जी कुछ बोल रही थी, माता जी क्या बोल रहे हैं? यही बात है कि आते हैं वोट मांगने, और वोट तो झुग्गियों से मिलता ना भैया, मगर कुछ करते नहीं है। हाँ, कोई काम नहीं हो। अच्छा चुनाव करीब है, अगर फिर से वो नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आपसे वोट मांगे, तो किस तरह से उसका जवाब दिया जाएगा? यही बोलेंगे, हम तो बोल लिया कि इतने लोग से बोल दिया कि हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा सबका ये कुछ नहीं होगा समाधान। काम करो, हमारा काम करो, जो खड़ा होगा हम देंगे। किस तरह स्वागत करेंगे जब वही नेता फिर से आएंगे जनता के बीच में और फिर वोट मांगेंगे? ऐसी जवाब देंगे, स्वागत क्या करेंगे? आप अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेके आओ, और जो कार्य देखो आप देश में भी देख रहे हैं कि देश में कितना नाम हो गया है देश का, भारत आज कहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ भी अब अगर आप सरकार जब लेके आएंगे पूर्ण बहुमत से, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो हम जो चाहेंगे वो काम हम यहाँ करा सकते हैं, अपनी जरूरतमंद जरूरत का कोई काम ऐसा नहीं रहेगा जो हमारी जरूरत का काम हो वो ना हो, लेकिन दिल्ली में पूरी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना जरूरी है। अब वो हम सबको मिलकर हमारा कार्य करना है, कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, हम सबको मिलकर कार्य करना है, और ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD ने बाहर जो नाले हुए हैं बिल्कुल जाम हुए पड़े हैं, जिससे यहाँ का जीवन नरक से बदतर हो रहा है। अच्छा आप यहाँ के लोकल निवासी भी हैं, मुख्य क्या क्या वो रहेगा जिसमें जिसके आधार पर आप वोटिंग करेंगे? मुख्य हमारा आधार यहाँ का यही है कि इनकी जो जो समस्याएं हैं उनको दूर करना और करवाना है, जो हमारे हाथ में वो हम दूर करेंगे, और जो किसी डिपार्टमेंट से भी करवाना है तो हम उसमें लगेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेके आओ, मेरी इन सबसे यही प्रार्थना है। तो देखिए ये वो स्थानीय निवासी हैं और जो इस गंदगी से, इस दयनीय हालत से जूझ रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इलाके के विधायक सत्येंद्र जैन हैं लेकिन कोई विकास नहीं करवाया, आमतौर पे जो जनता है वो परेशान है, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो नेता जो लोग यहाँ पे आएंगे उनका सही तरीके से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके में कहीं ना कहीं एक बदलाव जनता चाहती है, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, जब चुनाव आएंगे तो क्या कुछ यहाँ का रिजल्ट सामने आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ पसंद सक्सेना पंजाब के सी.com दिल्ली।